नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर शुभम स्वास्थ्य के चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कई में प्रीवियस कई वीडियोस पे एबॉर्शन से रिलेटेड उस पर मेरे कमेंट्स देखने को मिले हैं कि सर एबॉर्शन की मैंने किट दी हुई है, सर ब्लीडिंग मुझे इतने दिन हुई है, इतने दिन हुई है और इतने दिन हुई है, तो मुझे अभी आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस नहीं करना है। तो मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि आपको ब्लीडिंग हो जाने के बाद क्या करना है। देखो, मैं अपने प्रीवियस कई वीडियो से बता चुका हूँ और मैं हर एबॉर्शन की वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूं और मैं बता भी देता हूँ, पर इस वीडियो ये खास वीडियो इसी की वजह से है, ये इसी टॉपिक पे है कि ब्लीडिंग यानी कि जो आपकी हो रही है उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आपकी आपने कोई भी एबॉर्शन किट ली हुई है उसके बाद आपकी ब्लीडिंग कितने भी दिन होती है, देन आपको ब्लीडिंग हो जाने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको सुबह का पहला यूरिन टेस्ट करके अच्छे कार्ड से यानी कि जो भी अच्छी कंपनी का कार्ड होता है, आप कोई भी अगर आप पूछोगे कौन सा होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रेगा न्यूज, हर कोई जानते हो प्रेगा न्यूज के बारे में, हर कोई जानता है, मैनकाइंड कंपनी का अच्छा ब्रांड है और काफी अच्छा उसका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल सेफ और एक्यूरेट होता है, वो आपको 90-95% एग्जैक्ट बताता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रेगा न्यूज से 3 दिन बाद मॉर्निंग का पहला यूरिन टेस्ट करके जरूर चेक किया कीजिए। कई लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि जब ब्लीडिंग ओवर हो जाती है यानी कि ब्लीडिंग जब हो जाती है उसके बाद वो लोग चेक करके कंफर्म नहीं करते, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसी गलती मत किया करो हमेशा, यानी कि हमेशा का इंसेंस ये मतलब है कि जिसको भी ब्लीडिंग हो रही हो और ब्लीडिंग होने के रुकने के बाद में 3 दिन बाद आपको सुबह का पहला यूरिन जरूर चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि देखना है आपको कोई भी टिश्यूज वाला यानी कि कोई भी मामला ऐसा रह तो नहीं गया है, कोई भी पास पार्टिकल्स आपके भी रह तो नहीं गए, जिससे कि आपको बाद में फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम यानी कि आपकी जो पीरियड्स है वो नहीं आएंगे और मेंसेस आपके टाइम पे नहीं आएगी, काफी प्रॉब्लम कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कई इन्फेक्शियस टाइप की आपको डिजीज हो सकती है। तो दोस्तों जितनी भी मेरी एबॉर्शन से रिलेटेड वीडियोस पड़ी मैंने उसमें हर में वीडियो में आपको बताया, संडे मसाला बॉक्स में जो डालता हूँ आपके सभी सवालों के ऊपर डालता हूँ, मैंने उसमें भी पूरे आपको बताया हुआ है। ये वीडियो स्पेशली मैंने आपको बताया हुआ है, इस वीडियो में कई मुझे प्रीवियस जितनी वीडियोस पे कई लोगों के सवाल सेम मिले कि सर मुझे एबॉर्शन हो गया, मेरी की एबॉर्शन हो चुका है, ब्लीडिंग हो चुकी है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि जो टर्मिनेशन हो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, उस पर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बस बताना चाहता था कि दोस्तों आपकी यानी कि एबॉर्शन क्लियर हो गई है, आपको कैसे पता करना है, आपका अगर ब्लीडिंग ओवर हो गया तो 3 दिन बाद आप सुबह का पहला यूरिन टेस्ट करके क्लियरली कंफर्म कर सकते हो कि जो आपका एबॉर्शन था वो इजिली यानी कि एबॉर्शन क्लियर हो गया है कि नहीं, टर्मिनेशन आपका क्लियर आउट हो चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी फ्यूचर में, तो आप वो चेक करके इजीली कंफर्मेशन पा सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो अभी कोई प्रॉब्लम घबराने की बात नहीं है, 3 दिन के बाद भी अगर किसी को पॉजिटिव की संकेत आती है तो आपको रुक के यानी कि 1 वीक तक और इंतजार करना है, यानी कि 3 दिन रुकने के आपको 3 दिन रुकने के बाद 4 दिन और अगले 4 दिन बाद आपको पूरा 1 वीक ब्लीडिंग खत्म होने के 1 वीक के बाद फिर आपको चेक करना है और फिर देखना है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आपको पॉजिटिव नजर आता है देन आप तुरंत मुझसे कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, वरना जो भी मेरी नई वीडियो पढ़ा कर आप उस पर कमेंट करोगे तो मैं आपको जल्द से जल्द 2 से 3 घंटे के अंदर सोल्यूशन आपको जवाब देता हूँ। दोस्तों तो वीडियो आई थिंक आपको काफी अच्छी लगी होगी, इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो, जिसको इसकी नीड है उनके साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कोई भी आपका सवाल रहता है एबॉर्शन से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड आपका सवाल रहता है तो मेरी इस वीडियो पर कमेंट करो या मेरी जो भी नई वीडियो पढ़ा कर उस पर कमेंट किया करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। अर्जेंट इमरजेंसी आपको कॉल पर बात करना है अपने डॉक्टर शोम से तो आप कॉल फॉर एप्लीकेशन के द्वारा बात कर सकते हो, और किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो मुझसे तो आप नीचे मुझसे कमेंट करके बता, कोई भी सजेशन तो फ्री कॉस्ट दीजिए, मैं उस पर आपके वर्क करूंगा, आपको वीडियो लाके या आपको मैं उस पर कमेंट का रिप्लाई यानी कि कर दूंगा और आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आओ, वीडियो को पहली बार देखो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि मैं रोज शाम को आपके लिए अच्छी अच्छी 5 बजे वीडियो लेके आता तो आप देख सको अपने डॉक्टर शुभम श्रोता वगैरह अच्छी अच्छी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग टू डॉक्टर शुभम श्रोता, और बी अवेयर रहो, बी सेफ रहो।